बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। समोसा चाट की लाल वाली चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पैन में ले लिया है मेयरिंग कप के थ्रू एक कप चीनी, और मेयरिंग कप से ही हमने मेयर करनी है सारी चीज़ें। एक कप पानी लेना है और इसके अंदर जाएगा अदरक का पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर इसमें 1/2 टीस्पून जाएगा, और इसके बाद जो ज़ीरा था उसको मैंने कूट लिया है वो 1/2 टीस्पून जाएगा। इसके बाद जो है नमक जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, वैसे मैंने 1/2 टीस्पून लिया है, और 1 पिंच के करीब जो है 1 या 2 पिंच आप जर्दे का रंग फूड कलर जो है वो ले लेंगे, और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे इमली का गाढ़ा सा पल्प। मैंने अच्छी खासी इमली लेके उसको 1/2 कप पानी में भिगो के रख दिया था, और उसके बाद मैंने इसमें से बीज निकाल के इसमें डाल दिया, और अब इसको पकाना है जब तक कि इसमें बॉयल नहीं आ जाता, और बॉयल आने के 2-3 मिनट बाद भी हम इसको पकाएंगे ताकि सारे जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से यकजान हो जाएं। अब इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। अच्छा, बॉयल आने के बाद जो है हमें ये वैसे भी थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, लेकिन इसको चटनी को गाढ़ा करने के लिए मैं लूँगी 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, और उसमें 1 टेबल स्पून पानी से आप मिक्स कर लीजिए और इसमें डाल दीजिए, और इसको फिर मज़ीद 3 से 4 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको पकाएँगे, और जब तक एक अच्छी सी गाढ़ी सी कंसिस्टेंसी जैसे कि निकल आई है आना जाए, और बस फिर ये बिल्कुल तैयार है। इसके अंदर हम थोड़े से 1/4 टीस्पून के करीब जो है वो सेसमी सीड्स डाल देंगे खूबसूरती के लिए, ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो ना डालिए। और उसके बाद जो है हम इसको समोसे के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, और आप इसको चाहें तो किसी भी चीज़ के साथ यूज़ कर सकते हैं।